धार जिले के धर्मपुरी के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पीठासीन अधिकारी राजेश नंदेश्वर महोदय की न्यायालय में अभियोजक पक्ष के साक्षियों की गवाही से सहमत होते हुए आरोपी राकेश उर्फ कालू उम्र 28 वर्ष निवासी ग्राम हतनावर थाना धर्मपुरी के द्वारा उसके साथ रहने वाली मृतिका की घटना के पूर्व वर्ष 2012 से पत्नी बनाकर इंदौर में रख रखा था। दिनांक 24 जनवरी 2017 को मृतिका ने आरोपी से खर्चे के 20,000 रुपए की मांग की थी और आरोपी के घर जाने की जिद कर रही थी, जिस पर से अभियुक्त ने मृतिका को इंदौर किराए के मकान में ले जाकर रखा, उसके बाद हतनावर ले गया। दिनांक 26 जनवरी 2017 को सुबह खलगाड़ जाने का बोलकर मृतिका को दो पहिया वाहन से पिपलदा गढ़ी के पास लाकर रोड के दाहिने साइड मक्का के खेत में उसे खींच कर ले जाकर मृतिका को दुपट्टे से गला घोटकर हत्या कर दी, जिससे अपराध में भारतीय दंड संहिता की धारा 302 में दोषी पाया, जिसके लिए आरोपी राकेश को आजीवन कारावास एवं 2,000 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। भारतीय न्यूज के लिए सैयद जफर अली की रिपोर्ट। धारा 302 में राकेश उर्फ कालू पिता अमर सिंह जामोद जाति भिलाला उम्र 28 साल निवासी हतनावर को आजीवन कारावास की सजा दी गई है। माननीय राजेश नंदेश्वर जी की न्यायालय द्वारा उसने जो उसके साथ महिला रहती थी उसकी हत्या कर दी थी और दुपट्टे से घोट कर उसकी हत्या कर दी थी।